नमस्कार बच्चों, नाट्य साहित्य के इतिहास में आज के व्याख्यान के इस दूसरे भाग में हम लोग राजशेखर के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे और राजशेखर जो हैं उनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। महाकवि राजशेखर जो है उन्होंने उनके व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो उन्होंने स्वयं ही अपने ग्रंथ में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय दिया है और ये जो है जिस वंश में उत्पन्न हुए थे उनके परिचय की यदि हम बात करें तो अकाल जलद जो हैं वो उनके जो कवि हैं एक्चुअल में वो प्रपिता में थे और दुर्दक और शीलवती जो है वो इनके माता पिता थे और इन्होंने जो है अवंती सुंदरी नामक चौहान वंश की विदुषी जो है स्त्री ललिना उनसे विवाह किया था और ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके आदेश से ही उन्होंने कर्पूर मंजरी नामक जो है नाटक का अभिनय किया था। राजशेखर जो हैं वो कान्य कुब्जेश्वर महेंद्रपाल जो है उनके उपाध्याय थे जिनका शासन नवी शताब्दी जो है वो माना जा सकता है 880 यानी कि नवी शताब्दी का अंत और 10वीं शताब्दी का प्रारंभ जो है उनका समय माना जाता है। इन्हीं महेंद्रपाल के आदेश से राजशेखर ने बाल रामायण नामक नाटक का अभिनय किया था और उसके पश्चात ये राजशेखर कुछ समय के लिए लाट नरेश के यहाँ गए और उनका आश्रय पाया और वहाँ पर उनके कहने के अनुसार इन्होंने विध्वस्त चाल भंजिका नामक नाटक का अभिनय किया। फिर वहाँ से वो वापस कान्य कुब्जेश्वर आ गए और प्रतिहारेश्वर महेंद्रपाल का जो पुत्र हैं महीपाल उनके सभा में आपने आश्रय पाया और उनके कहने पर उनके आदेश पर आपने बाल भारत और प्रचंड पांडव का जो है अभिनय किया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजशेखर जो है उनका ये जो नाट्य रचना और अभिनय का काल है वो नवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक होता है जैसा कि उन्होंने स्वयं ही उल्लेख किया है। वो उनकी जो नाट्य प्रतिभा है वो विलक्षण थी। उन्होंने स्वयं को वाल्मीकि भरतमेंट भवभूति का अवतार कहा है इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि की रामायण भरतमेंट का जो हैग्रीव वध और इसके अलावा भवभूति का जो आप जानते हैं उत्तर रामचरितम इन नाटकों का उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया है इसीलिए वो उनको स्वयं को जो है कविराज की संज्ञा भी देते हैं। तो राजशेखर जो है वो काव्य निर्माण जो है उसके लिए बहुत सुंदर उनकी प्रतिभा थी। बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उनको था, बहुत सारी भाषाओं पर अधिकार उनका था तो वो स्वयं को कविराज कहते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि कोई ना कोई विलक्षणता और काव्य वैशिष्ट्य उनमें था जिसकी वजह से वो स्वयं को कविराज घोषित करते हैं। यदि हम कर्तृत्व की बात करें तो हमने अभी देखा कि अवंती सुंदरी के कहने पर उन्होंने कर्पूर मंजरी का प्रणयन किया, कान्य कुब्जेश्वर के कहने पर बाल रामायण का प्रणयन किया, लाट नरेश के कहने पर विध्वस्त चाल भंजिका का प्रणयन किया, महिपाल के कहने पर आपने प्रचंड पांडव का जो बाल भारत ये महाभारत मिसप्रिंट है बच्चों बाल भारत और प्रचंड पांडव का प्रणयन किया। और वैसे तो कहा जाता है कि उन्होंने राजशेखर ने खुद कहा है कि छठ प्रबंध का उन्होंने जो है रचना की है लेकिन छठ प्रबंध का मतलब छह रचनाएं उनकी है लेकिन इन छह रचनाओं में एक महाकाव्य एक अलंकार का अलंकार शास्त्र का ग्रंथ और चार नाटिकाएं जो है वो उनके हिसाब से है। तो हरविलास जो है वो उनका महाकाव्य है, हर यानी शिव तो वो शिव से संबंधित है और भगवान शंकर के चरित्र को आपने उसमें जो है रचा है लेकिन ये ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है और लेकिन उस ग्रंथ का उल्लेख जो है वो मिलता है उससे ये पता लगता है कि ये ग्रंथ आपने लिखा था। काव्य मीमांसा जो है एक विशाल जो उनका काव्य शास्त्र का ग्रंथ था जिसका एक प्रकरण जो है इस समय उपलब्ध है। इस तरीके से ये इनका जो है वो काव्य का जो पूरा संसार है उसकी कथा है। अब यदि हम चारों जो उनके जिसे कहें नाटक है उन नाटकों के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त परिचय देखते हैं तो बाल रामायणम जो इन्होंने कान्य कुब्जेश्वर के कहने से लिखा था उसमें राम की कथा ही है। बाल रामायण आपको नाम से पता लग रहा है, राम की कथा जो है उसका उन्होंने रचा है और इसके अंदर 10 जो है वो अंक है। बाल भारतम जो महिपाल के कहने पर उन्होंने लिखा है
ये महाभारत की कथा है, परंतु इस समय इसके केवल 2 अंक उपलब्ध होते हैं। विद्वत साल भंजिका जो है वो 4 अंकों की एक नाटिका है और कर्पूर मंजरी भी 4 अंकों की नाटिका है। ये जो बाल रामायण है इसमें जो राम की जो कथा है उसका पूर्व भाग को उन्होंने समेटने का प्रयास किया है। तो जैसे भवभूति ने उत्तर रामचरितम में उत्तर भाग को समेटने का प्रयास किया है, यहाँ पर उन्होंने पूर्व भाग को समेटने का प्रयास किया है। तो यहाँ जो है बहुत सारी कथा वस्तु है जो राम रावण से रिलेटेड है। तो रावण जो है वो सीता के विवाह की प्रतिज्ञा करते हैं, जनक से कन्यादान की प्रार्थना करते हैं और परशुराम और रावण के युद्ध का वर्णन है, जिसे वाक युद्ध कहेंगे, वाक युद्ध का वर्णन है। रावण जो है वो परशुराम के पास परशु लेने के लिए अपने सेवक को भेजते हैं, तो परशुराम जो है वो रावण पर क्रोधित हो जाते हैं, दोनों में फिर से वाक युद्ध होता है। और तीसरे अंक में सीता के न मिलने से रावण खिन्न है और वो अपने मनोविनोद के लिए सीता स्वयंवर नामक गर्भ नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। इस नाटक में भी पिनाक जो शिव का धनुष है उसको तोड़ने के बाद राम और सीता का विवाह हो जाता है। रावण इस दृश्य को देख करके दुखी है और वो सोचता है कि ये केवल नाटक है, ये यथार्थ नहीं है, ऐसा सोच करके वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन जो चौथा अंक है उसमें राम और सीता का वस्तुतः विवाह होता है, धनुष तोड़ा जाता है और इस तरीके से उन्होंने जिसे कहे कि इंद्र सारथी मातली के साथ आकाश मार्ग से जनकपुर जो है वो आते हैं। तो लेकिन उस जो मूल कथा है उसमें ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने जो है परशुराम के लिए कहा है। और छठे अंक में कवि ने राम के वनगमन का वर्णन किया है और इसमें कुछ मौलिक कल्पनाएं कवि ने की है कि राम के वनगमन में दशरथ जो है उनको बिल्कुल निर्दोष बताया है, रावण के आदेश से शूर्पणखा जो है वो माया का रूप धारण करके अयोध्या आकर के कैकेयी और दशरथ को जो है वो भ्रमित करती हैं और इस तरीके से वही दशरथ बनती है, वही कैकेयी बनती है, तो राम को वनवास दे देते हैं। तो इस तरीके से उनको उन्होंने निर्दोष सिद्ध करने के लिए एक नई मौलिक उद्भावना की है। तो ये जो है रत्न शिखंड जो है इस घटना का वृतांत दशरथ को सुनाते हैं, वो सुनकर के बहुत दुखी होते हैं। सातवें अंक में राम और समुद्र के संवाद का वर्णन है, जो रामायण में आप लोगों ने सुना होगा, आप इसके बारे में जानते होंगे। और वो तपस्या करते हैं और समुद्र से नाराज़ हो जाते हैं, जब वो उसको सुखाने के लिए बाण चलाते हैं तो समुद्र जो है वो आते हैं और फिर वो समुद्र पर पुल बांधा जाता है, राम लंका पहुंच जाते हैं। और जो आठवां अंक है उसमें लंका युद्ध का वर्णन है, लंका युद्ध का वर्णन है। और नौवें अंक में रावण के वध का वर्णन है, दसवें अंक में सीता की अग्नि परीक्षा के पश्चात राम का पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने का वर्णन है और फिर मार्ग में प्राकृतिक जितने भी दृश्य हैं उन दृश्यों का उन्होंने वर्णन किया है। तो बहुत सारी मौलिक उद्भावनाएं जो हैं यहाँ पर की है कवि ने। बाल भारतम जो है वो महाभारत की कथा है, तो इसमें केवल 2 ही अंक मिलते हैं जिसमें द्रौपदी के स्वयंवर का वर्णन है, द्यूत क्रीड़ा का वर्णन है और द्रौपदी के चीरहरण की कथा का वर्णन है। विद्वत साल भंजिका जो है वो 4 अंकों की नाटिका है और इसमें जो है प्रेम कथा है। राजा चंद्रवर्मन अपनी पुत्री मृगांकवती को मृगांक वर्मन नामक पुत्र घोषित करके बालक के वेश में राजा विद्याधर मल्ल के पास भेजते हैं। राजा के मंत्री को ज्योतिषियों के कथनानुसार ये पता था कि मृगांक वर्मन जो है वो बालक नहीं है, बालिका है, जिसके साथ इस बालिका का विवाह होगा वो चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तो वो मृगांकवती को राजा के पास रखता है। राजा जो है विदूषक को बताते हैं कि उन्होंने सपने में एक सुंदरी को देखा है, परंतु जैसे ही उसको वो पकड़ना चाहते हैं वो जो है वहाँ से चली जाती है। तो मृगांक वर्म राजा की सेवा में पहुँचते हैं, उनके सामने ही राजा जो है उस मोतियों की माला को मृगांकपति की जो है मूर्ति के गले में पहना देता है, किंतु वास्तविक मृगांकपति को वो नहीं पहचानता है। तो इस तरीके से ये जो राजकुमारी है वो मृगांक वर्मन के साथ कुवलय माला का विवाह करवाना चाहती है। उद्यान में मृगांक वर्मन के वास्तविक रूप से परिचित हो जाता है वो,
और उन्हें पता लग जाता है कि ये बालक नहीं है, बालिका है, उनके सौंदर्य पर आकर्षित होते हैं और इस तरीके से राजा और मृगांकपति का मिलन होता है। ये उनमें प्रेम बढ़ता है। रानी जो है ईर्ष्या के कारण उनसे मृगांक वर्मन का कुवले माला से विवाह वो करवा देती है और ये जो है वो चंद्रवर्मन को ये बात पता लग जाती है और इस तरीके से विवश होकर के फिर रानी जो है वो कुवले माला और चंद्रावती दोनों का ही विवाह जो है वो विद्याधर मल से करवा देती है। ये जो नाटिका है ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही विचित्रता लिए हुए हैं और लेकिन फिर भी कहा जाता है कि कथा वस्तु में गाढ़बंधता नहीं है। कर्पूर मंजरी जो है वो एक उनकी बहुत श्रेष्ठ रचना है। इसमें काव्य वैशिष्ट्य है, इसमें दर्शनीयता अभिनयता भी है और जो है ये नृत्य प्रधान है। कवि ने अंकों का नामकरण जवनिका अनंतरम शब्द से किया है। विद्वत चाल मंजिका की तरह ये भी एक प्रेम कहानी है। इसमें राजा चंद्रपाल और कर्पूर मंजरी की प्रेम कथा का वर्णन है और ये जो है राजा चंद्रपाल की परिचारिका विचक्षणा से क्रोधित होकर के और विदूषक जो है तांत्रिक को ले आते हैं। जो योग विद्या से क्या करते हैं कि राजकुमारी कर्पूर मंजरी को उनके स्नानागार से ही राजा के सामने ला देते हैं। राजा उनके सौंदर्य से आकर्षित होते हैं और इस तरीके से जब वार्तालाप होता है तो महारानी विभ्रम लेखा की संबंधी वो सिद्ध होती है तो वो उसे अंतपुर में रख लेती है। राजा पर आसक्त कर्पूर मंजरी विलक्षणा के द्वारा अपना जो प्रणय संदेश है वो राजा को भेजती हैं और फिर उसके बाद हिंदोलक चतुर्थी के अवसर पर कर्पूर मंजरी महारानी के आदेश के अनुसार झूले पर झूलती है। वो देखने के लिए राजा विदूषक के साथ एकांत में बैठे हैं। कर्पूर मंजरी के पैरों के प्रहार से कुर्बक तिलक अशोक वृक्षों को देख करके राजा को जो है उनके सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है। राजा और विदूषक जो है वो एक दूसरे को सपने का वृतांत सुनाते हैं और फिर कर्पूर मंजरी वहाँ पहुँच जाती है तो उनको एकांत में छोड़ करके सारे जो उनके परिजन है वो चले जाते हैं। तो रानी के को जब ये पता लगता है राजा की प्रणय कथा के बारे में तो वो कर्पूर मंजरी को कैद कर लेती है और उस पर पूरी नज़र रखती है और तांत्रिक भैरवानंद की युक्ति के सामने वो हार जाती है और तांत्रिक रानी की सम्मति से सार्वभौम पद की प्राप्ति के लिए लाट देश के राजा चंद्रसेन की पुत्री घनसार मंजरी से राजा का विवाह करवा देता है। घनसार मंजरी वस्तुतः और कोई नहीं बल्कि कर्पूर मंजरी का ही कल्पित नाम है। इस तरीके से कर्पूर मंजरी का विवाह राजा के साथ हो जाता है तो ये प्रणय कथा इस तरीके से सफल होती है। तो कर्पूर मंजरी एक ऐसी नाट्य रचना है जिसमें प्राकृत का प्रयोग हुआ है और श्रृंगार की प्रधानता है लेकिन वासना में श्रृंगार है। प्रकृति वर्णन भी वहाँ है जो प्रशंसनीय रूप में है। बहुत सारे छंदों का प्रयोग वहाँ हुआ है लेकिन फिर भी नाट्य में जिसे कहें कि जिज्ञासा और रोचकता है और राजशेखर जो है वो उनका जो काव्यत्व है वो इसी रचना में सबसे ज़्यादा प्रकट हुआ है और नाटककार के रूप में यदि सफलता मिली है तो इसी में मिली है। ज़्यादा जो दूसरे नाटक हैं उनमें उनका नाटककार का स्वरूप उतना प्रखर रूप से उभर करके नहीं आया है। इस तरीके से बच्चों ये राजशेखर के कुछ जो रचनाएं हैं उनका परिचय हमने देखा। तो संक्षिप्त रूप से अगर हम कहेंगे तो वो दुर्दक और शीलवती के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम जो है वो ललना था जो अवंती सुंदरी थी। उनके कहने पर उन्होंने कर्पूर मंजरी नामक प्रणय कथा का प्रणयन किया। कान्य कुब्जेश्वर के आश्रय में जब वो रहे तो बाल रामायण का प्रणयन किया। लाट नरेश के आश्रय में जब वो रहे तो विद्वत चाल मंजिका का प्रणयन किया। महिपाल के आश्रय में जब वो रहे तो उन्होंने बाल भारत और प्रचंड पांडव का प्रणयन किया और इसके अलावा जो हरविलास उनका महाकाव्य है वो जो है वो मिलता नहीं है और उसमें लेकिन चूँकि कई ग्रंथों में उसका वर्णन है, उल्लेख है कि राजशेखर की रचना के रूप में, इसका मतलब निश्चित तौर पर उन्होंने वो लिखा तो है लेकिन उसका जो है वो परिचय प्राप्त वो ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। तो इस तरीके से छठ प्रबंध के रचयिता राजशेखर के
उपलब्ध ग्रंथों के बारे में, हमने संक्षिप्त रूप से उसकी कथावस्तु के बारे में परिचय प्राप्त किया। और जो है यहाँ हम लगभग नाट्य साहित्य जो है हमारा समाप्त होता है। और नाट्य साहित्य के इतिहास में हम लोगों ने भास को देखा, कालिदास को देखा, शूद्रक को देखा, विशाख दत्त को देखा, और इसके अलावा जो है मुरारी के अनर्घ राघव को देखा, राजशेखर की इन सभी रचनाओं को हमने देखा है। इस तरीके से जो है वो हमने कालिदास को देखा, ये सारी रचनाएं जो नाट्य साहित्य से संबंधित है उनको हमने संक्षिप्त रूप से देखा है। आप चाहें तो इसको बड़े रूप में यदि आप देखना चाहें तो संस्कृत साहित्य का इतिहास जो विस्तार लिए हुए हैं, जो वैदिक संस्कृत साहित्य का भी बलदेव उपाध्याय का, तो आप उसको पढ़ें। तो बलदेव उपाध्याय के संस्कृत साहित्य के इतिहास में सारा जो रचनाएं हैं सभी विधाओं की, चाहे वो महाकाव्य हो, खंड काव्य हो, गीति काव्य हो, गद्य रचनाएं हो, पद्य रचनाएं हो, मुक्तक रचनाएं हो, और इसके अलावा जो है कथाएं हो, उपन्यास हो, उन सब के बारे में जो है वहाँ बहुत ही विस्तार से कवि की शैली के बारे में समीक्षाएँ हैं, काव्य जो रचनाएं हैं उनके बारे में समीक्षाएं हैं। अगर आप उसको गहन रूप से विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप बलदेव उपाध्याय का संस्कृत साहित्य का इतिहास लें और उसको वहां पर पढ़ें। लेकिन यदि आप सेकंड ईयर के केवल 20 मार्क्स का जो एक यूनिट है आपका, उसके दृष्टिकोण से तैयार करना चाहते हैं तो उसको वहाँ से पढ़ें पूरी जानकारी के लिए, और तैयार करें इस दृष्टिकोण से कि आपको जो है किस तरीके से वहाँ प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये था हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहास में नाट्य साहित्य का इतिहास। और इसके पश्चात जो है हम इसी नाट्य साहित्य में कुछ जो तुलनात्मक जो कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे, और राजस्थान का संस्कृत साहित्य का इतिहास आपके कोर्स में है तो उसको हम देखेंगे। कुछ कवि जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन कवियों का परिचय प्राप्त करेंगे। यद्यपि संस्कृत साहित्य के इतिहास में, आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास में और राजस्थान में संस्कृत साहित्य के इतिहास में बहुत कुछ विशाल लिखा जा रहा है, लेकिन हम उन्हीं कवियों को यहाँ सेकंड ईयर में पढ़ पाएंगे जो आपके कोर्स में है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और निर्बाध रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।